अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे आज आपके साथ एक ज़बरदस्सी क्रीम शेयर कर रही हूँ जिससे आपके हाथ और पैर ज़बरदस्त हो जाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे वैसे भी विंटर्स का टाइम है और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है ख़ास तौर पर हाथ और पैरों की स्किन जो है डल हो जाती है तो उसके लिए ज़बरदस्ती आज आपको लोशन शेयर करूँगी आपको इसके लिए चाहिए कोई भी अच्छी सी हैंड क्रीम यहाँ पर मैं वाई सी की हैंड एंड फूट वाइटनिंग क्रीम यूज़ करूँगी इसका रिजल्ट मुझे बहुत पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँगी अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि स्किन वाइट बायोकॉस बायोकॉस भी अच्छा है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो वाई की हैंड एंड फूट वाइटनिंग क्रीम पसंद है रीजनेबल भी है और आराम से आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ये ईजिली मिल जाती है यहाँ पर आपको वन टेबल स्पून के करीब भर कर वाइसी का लोशन लेना है चार दिन चार से पाँच दिन आपका ये लोशन ईजिली चल जाएगा उसके बाद आप न्यू बना लें ठीक है यहाँ पर वन टेबल स्पून मैंने ले लिया अब सेकंड जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी लिक्विड पैराफ़िन ये आपको ईज़िली ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है और बहुत कम कॉस्ट में ठीक है तो ये आपके हाथ और पैरों के लिए बड़ा अच्छा काम करती है इस हाथों और पैरों के लिए स्किन को वाइट करती है तो यहाँ पर मैं वन टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर दूँगी इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं इस तरीके से ठीक है ये आपको किसी भी शेप में मिल सकती है और किसी भी बॉटल में मिल सकती है बस आपने बोलना है लिक्विड पैराफिन तो ये आपको इसलिए मिल जाएगी अब आपने करना क्या है इन तमाम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है ठीक है आप देख रहे हैं कि मिक्स होने में थोड़ी सी फट जा रही है लेकिन जैसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी देखिए जैसे इस तरीके से मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे ठीक है तो ये आपको लिक्विड वाला वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करना है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बैलाइकन को भी क्लिक कर दें वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अब यहाँ पर जो मैं इसमें फ़ोर चीज़ ऐड करूँगी वो रोज़ वाटर ऐड करूँगी ठीक है जी रोज़ वाटर वन टेबल स्पून के करीब ऐड करें और ताकि आपकी स्किन में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो वैसे भी ये बिल्कुल इसके कोई ख़ास साइड इफेक्ट है ही नहीं और ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है ठीक है इसको लाजमी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरी स्किन खुद भी सेंसिटिव है और मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन अगर आप चाहें तो पैच टेस्ट लाजमी कर लीजिएगा इस तरीके से आपने करना है थोड़ी सी भी क्वांटिटी लेकर इसको लगानी है ये बहुत अच्छे से आपकी पूरे स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगी लिक्विड की तरह ये देखें इस तरीके से और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी और आप इसको ओवरनाइट के लिए लगा लें ठीक है तो ये ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देगा उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफ़